इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम में सियासी सरगर्मियां जारी हैं, अभी तारीख तय नहीं हुई है, लिहाजा सरगर्मियां जारी है कि लोकसभा इंतखाबात जो चुनाव आने वाले हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सुरेश अंगड़ी के मौत के बाद ये जगह पर आखिर उनकी जगह कौन ले सकता है, ये सवाल आज भी बरकरार है। भाजपा और कांग्रेस की जानिब से रस्साकशी जारी है, अभी नाम के ऐलानात हुए नहीं, लिहाजा जो 5 रियासतों में चुनाव होने हैं उसी वक्त बेलगाम के चुनाव भी हो सकते हैं, इसे इम्कान कयास आ रही है। लिहाजा आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो सियासी बारीकियों पर इनकी नज़र रहती है, शहर के तमाम खबरों को वो कवर करते रहते हैं, मराठी वेब न्यूज़ चैनल बेलगाम लाइव के मुदीर आला यानी कि एडिटर इन चीफ जनाब प्रकाश बिलगोजी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले प्रकाश बिलगोजी साहब, हमारे न्यूज़ चैनल पर हमारे स्टूडियो में आपका इस्तकबाल खैर मकदम। लिहाजा जो मौजूदा जो सरगर्मियाँ जारी हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, ख़ासकर बेलगाम हलके के जो चुनाव होने हैं, अभी तो तारीख तय नहीं हुई है लेकिन सरगर्मियाँ जारी है कि कांग्रेस जीत सकती है या तो फिर भाजपा किन उम्मीदवारों को उतारेगी। पूरी मुल्की सतह पर देखा जाए तो कांग्रेस अपने मियार को खोती नजर आ रही है, क्या वो दोबारा से इस सीट को हासिल कर सकती है, इस पर आप अपनी तरफ से रोशनी डालिए। सबसे पहले मैं इत्तेहाद न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया और एक विश्लेषण करने को कहा। और आपका ये नया स्टूडियो बेलगाम के हिंदी उर्दू पत्रकारिता में आपने जो ये पहल की है उसके लिए हमारे बेलगाम लाइव टीम की तरफ से भी आपको शुभकामनाएं। रही बात बेलगाम के बाई इलेक्शन की, कल ही केंद्रीय चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। सुनील अरोड़ा जी ने यह कहा था कि 5 राज्यों के साथ में बेलगाम और तिरुपति के बाई इलेक्शन की भी इलेक्शन में हम करना चाहते हैं, इसके लिए अलग से प्रेस रिलीज जो केंद्रीय चुनाव उपायुक्त है सिन्हा देंगे, लेकिन सिन्हा साहब ने तो अभी तक तो प्रेस रिलीज नहीं दिया है और बेलगाम के बाई इलेक्शन की डेट का अधिकृत तौर से अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी बड़े इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों को आप कोट उन्होंने कोट किया है कि 6 अप्रैल को यह बेलगाम का मतदान हो सकता है, मतलब इस 5 राज्यों के साथ में बेलगाम का भी बाई इलेक्शन होना तय है। हालांकि कई लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि कर्नाटक राज्य सरकार का जो अर्थसंकल्पीय अधिवेशन है वो अधिवेशन के बाद में इस चुनाव की घोषणा होगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो जब घोषणा होगी तभी इसका निर्णय प्रक्रिया की शुरुआत होगी, लेकिन घोषणा होने से पहले बेलगाम में चर्चाओं का माहौल बहुत जोर से शुरू है। भाजपा हो, कांग्रेस हो या फिर और किसी लोकल स्थानीय पार्टी हो MES जैसे, तो चर्चा राजनीति जोर शुरू है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी फिलहाल में सिर्फ इच्छुक है, भाजपा में तो 60 उम्मीदवार जो इच्छुक है उन्होंने अपने हाईकमान की तरफ अर्जी दी है उम्मीदवारी के लिए। लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री येडियुरप्पा के निकटवर्तियों का सवाल है तो येडियुरप्पा 3 लोगों के नाम के ऊपर उनकी अड़े हुए हैं, मतलब वो कोशिश कर रहे हैं। पहला नाम उसमें यह है कि चिकोड़ी के MLC मानतेश कवड़गी मठ जो विधान परिषद के सचेतक है। दूसरा नाम है कर्नाटक राज्य के दिल्ली के प्रतिनिधि शंकरगौड़ा पाटिल और तीसरा नाम है डॉक्टर रवि पाटिल। येडियुरप्पा के ग्रुप में से इन तीनों का नाम आ रहा है। बेलगाम के सब लोगों को मालूम है मानतेश कवड़ की मच्छकुड़ी से ताल्लुक रखते हैं और प्रभाकर कोरे जो कर्नाटक की सबसे बड़ी शिक्षण संस्था है KLE, तो प्रभाकर कोरे जी का उनको राजकीय वारसदार कहा जाता है। हालांकि उन्होंने चिकोड़ी में एक विधानसभा गणेश शकीर के खिलाफ लड़ी थी, उसमें उनको हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद में उन्होंने विधान परिषद में जीत हासिल करके आज वो MLC में मुख्य सचेतक है। उसके बाद में शंकरगौड़ा पाटिल जो भाजपा के बेलगाम में जितने भी सीनियर लीडर है भाजपा के आज के दौर में, तो सबसे सीनियर लीडर शंकरगौड़ा पाटिल है और शंकरगौड़ा पाटिल कर्नाटक राज्य के दिल्ली के प्रतिनिधि है, उन्होंने फिलहाल में उनको मंत्री कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, तो शंकरगौड़ा पाटिल उनका भी नाम इसमें लिया जा रहा है। तीसरा नाम है डॉक्टर, अपने डॉक्टरी के बलबूते के ऊपर समाज सेवा करते हुए डॉक्टर रवि पाटिल, ये दोनों में से रवि पाटिल का नाम सबसे आगे जा रहा है और चर्चाओं में येडियुरप्पा के गुट में नाम ये है। ये तीनों के अलावा डॉक्टर सोनवालकर है,
किरण यादव आया, ऐसे कई नाम है जो चर्चा में है, लेकिन खासतौर पर भाजपा के गुट में इन तीन नामों की चर्चा है और रवि पाटिल का नाम सबसे आगे चर्चा में चल रहा है। दूसरी बात कांग्रेस की तरफ हम रुख करते हैं, तो कांग्रेस का ये है कि कांग्रेस में कैंडिडेट नहीं है, एक तगड़ा कैंडिडेट जो जीत करके ला सके, इसलिए कांग्रेस हाईकमांड ने जो KPCC के वर्किंग प्रेसिडेंट है सतीश जारकीहोली, एम कन्वेटी के विधायक है, पहले जिला मंत्री रह चुके हैं बेलगाम में, वो पॉपुलर फेस है, तो सतीश जारकीहोली के कंधों पर उन्होंने हाईकमांड ने जिम्मेदारी दी है और सतीश जारकीहोली को खुद को उम्मीदवार बनाने के ऊपर कांग्रेस हाईकमांड फिलहाल में सोच रही है और उन्होंने उनको जिम्मेदारी दी है। सतीश जारकीहोली ने भी अपना नेटवर्क चलना शुरू कर दिया है, सभाएं बैठकें उनकी चर्चा चल रही है। अगर सतीश जारकीहोली कांग्रेस के उम्मीदवार होते हैं तो भाजपा की तरफ से कोई भी उम्मीदवार आता है तो एक कड़ी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन फिर भी बेलगाम लोकसभा को नजर में देखा जाए तो फिलहाल में भाजपा ही हावी दिख रही है। इतिहास जी जी बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि सतीश जारकीहोली को अगर मिलती है तो कड़ा मुकाबला हो सकता है, क्या आप ये इसको कैसे देखेंगे कि एक तरफ भाई रमेश है फिर ये दो भाइयों के दरमियान होगा, तो अरे बार बार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर भी हर रोज एक खबर आती है कि कभी लक्ष्मी हपाकर है, कभी प्रकाश उकेरी है, कभी सतीश जारकीहोली का नाम आता है, तो क्या ये दो भाइयों के दरमियान की जो बाज़ोकत इसको कहते हैं कि दोनों भाई एक ही हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए बेलगाम जिले के राजनीति के ऊपर जारकीहोली परिवार का, चाहे वो भाजपा में हो या कांग्रेस में हो, जारकीहोली परिवार की पकड़ मजबूत है और दिन ब दिन वो मजबूत होते जा रही है। आप देख सकते हैं कि रमेश जारकीहोली साहब फिलहाल में जिला पालक मंत्री है, जिला प्रभारी मंत्री है बेलगाम के, और रमेश जारकीहोली साहब के हाथ में सूत्र है बेलगाम जिले के, भाजपा हाईकमांड ने भी उनको कुछ निर्देश दिए होंगे उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर सतीश जारकीहोली जारकीहोली फैमिली से अगर लिहाज देखा जाए तो सूत्रों का मानना है, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर सतीश जारकीहोली कांग्रेस के बेलगाम के बाई इलेक्शन के प्रत्याशी बन सकते हैं तो ऑटोमेटिकली रमेश जारकीहोली और बाकी के जो विधायक है भले ही भाजपा के वो स्लो हो सकते हैं, अंदर की राजनीति आपको भी पता है, तो इसलिए वो सतीश जारकीहोली अब फेवरेट माना जा रहा है फिलहाल में। तो जी जी, अब ये और एक पहलू जैसा तीसरा पहलू कहते हैं कि MES बेलगाम के अंदर मकामी तौर पर एक वक्त इनका रहा, 6 से 8 इनके कभी रुकन असेंबली हुआ करते थे, लेकिन अब जो ये हिंदुत्व कार्ड हर जगह पर ये लोग खेलते हैं भाजपा के खासकर, और ये कामयाब होते हैं, तो बेलगाम जैसे इलाके में जहाँ पर मराठी का काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और कन्नड़ मराठी तनाज़ा भी काफ़ी पुराना है, क्या इसमें मराठी लोग फिर भाजपा की तरफ जा सकते हैं या फिर MES के पीछे खड़े हो सकते हैं? अभी तक तो महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने लोकसभा बाई इलेक्शन लड़ने का फैसला नहीं किया, पिछले बार लेकिन ऐलान तो किया था, पिछले बार 51 कैंडिडेट उन्होंने उम्मीदवार खड़े खड़े किए थे और उन्होंने लगभग 60,000 कुछ वोट लिए थे, तो अभी भी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिति जो मराठी मानुष की मराठी अस्मिता की बात करते हैं और जो चुनाव ये लड़ते हैं तो उन्होंने उम्मीदवार बिठाने का किया है, लेकिन दूसरी तरफ से जो मेन MES का बैकबोन है शिवसेना, महाविकास आघाड़ी का सरकार है महाराष्ट्र में, तो शिवसेना की तरफ से भी पहल दिख रही है थोड़ी कि हिंदुत्व के कुछ उम्मीदवारों को लाया जाए और शिवसेना के यहाँ पे प्रत्याशी खड़ा किया जाए, और जो भी बेलगाम साउथ नॉर्थ और रूरल में 2 लाख वोट है, 2-2.5 लाख उसमें से कुछ अपने वोट बैंक सेव की जाए और आने वाले नगर निगम हो या लोकसभा चुनाव हो उसमें से MES को फायदा हो सके, इसलिए वो भी MES के लोगों में प्लानिंग चल रही कि लोकसभा शिवसेना की तरफ से या फिर MES की तरफ से दोनों में से एक उम्मीदवार खड़ा किया जाए। अच्छा, एक बात और, एक इसका अहम पहलू सियासत के, आज की पूरी सियासत का एक अहम पहलू, जैसा मुस्लिम वोटर्स, एक वक्त हुआ करता था कि मुसलमान जिसे वोट करते थे वह इख्तदार पजीर होता था, वो सत्ता में आता था, लेकिन जब से भाजपा हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है आपको ऐसे नहीं लगता कि कहीं तो भी मुसलमानों की यानी कि अहमियत घटती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के पीछे हमेशा मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट किया ये सब जानते हैं, कोई छिपी हुई बात नहीं, आगे आने वाले दिनों में मुसलमानों का सियासी मैदान में कितना रसूख रहेगा, कितनी अहमियत रहेगी? देखिए मुझे लगता है कि स्वतंत्र देश आज़ाद होने के बाद से अब तक मुस्लिम कम्युनिटी ने ज़्यादातर कांग्रेस का ही वोट किया है और आज तक वही चलता आ रहा है, पिछले कुछ इलेक्शन को छोड़ा जाए मतलब बेलगाम में तो MIM का कुछ असर नहीं है, लेकिन MIM जैसी पार्टियाँ कांग्रेस को डैमेज कर रही है कहीं ना कहीं, तो बेलगाम में इसका कितना असर होता है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूरे देश की राजनीति को अगर देखा जाए तो MIM कांग्रेस को डैमेज कर रही है कहीं ना कहीं, तो मुस्लिम समाज को भी
कांग्रेस MIM उसमें से चूज करना चाहिए और आगे से जाना चाहिए अपने समाज के लिए कौन सा पक्ष बेहतर है उसके लिए मुस्लिम समाज को आगे करना चाहिए। जैसे भाजपा हिंदुत्व को दो गुट में ये करके आरोप हो रहे हैं, लेकिन इन आरोपों को अगर देखा जाए तो मुस्लिम समाज को भी सोचना चाहिए, थिंक टैंक सोच के अपनी रणनीति तैयार करनी है अपने समाज के बारे में कि अपना समाज किस तरफ ले जाना चाहिए। ये समाज के ऊपर, समाज के लीडरों के ऊपर डिपेंड है। इसलिए मुझे लगता है कि इसलिए एजुकेशन का इम्पोर्टेंट, शिक्षण का बहुत ज़रूरी है, तो मुस्लिम समाज में शिक्षण का स्तर बढ़ना जरूरी है। इसके लिए सोचना, सोच आदमी की सोच बढ़नी चाहिए, सोच तब बढ़ती है जब आदमी एजुकेटेड होता है, तो शिक्षा का स्तर मुस्लिम समाज में बढ़ना चाहिए, ये मेरा वैयक्तिक मानना है। जी जी, आप सही कहा कि इल्म रोशनी है और इल्म होना चाहिए जिसकी वजह से फैसले सही लिए जा सकते हैं। आप फिर से, मैं महाराष्ट्र एकीकरण समिति यानी कि सीमा भाग जिसे बेलगाम को कहा जाता है अक्सर, तो मराठी लोगों का भाजपा की तरफ ट्रांसफर होना यानी कि हिंदुत्व की तरफ, मराठी की अजमत के लिए इसकी कुर्बानियाँ दी, कई सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी मराठी अजमत के लिए, जो लड़ने का एक आंदोलन, एक एहतजाज रहा, एक तहरीक रही महाराष्ट्र एकीकरण समिति के नाम से। आप मराठी लोगों के एक तरह से अभी खास आप जो है न्यूज़ चैनलों में आपका नंबर सरे फहरिस्त है, तो आप इस पर बताइए कि ये वजह क्या हो सकती है, क्या फिर से दोबारा इसमें जान आ सकती है जैसे कोशिश की जा रही है, शिवसेना भी है इसमें। देखिए, आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर शिवसेना यहाँ पे कैंडिडेट अपना उतारती है, शिवसेना अपना उम्मीदवार खड़ा करती है, तो निश्चित ही जो हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर जो मराठी यूथ कुछ बाहर गए हुए हैं, निश्चित ही एक गट्टा होकर मराठी के अस्मिता के ऊपर, मराठी मुद्दे के ऊपर आ सकती है। जैसे मुंबई में मराठी आदमी, मराठी मानुष का मुद्दा चलता है, सिर्फ ठीक उसी तर्ज पर बेलगाम में भी मराठी अस्मिता और मराठी बात का, मराठी मानुष का मुद्दा चलता है। तो मेरा मानना यह है कि MES को अगर स्ट्रांग करना है, MES को अगर फिर से वापस लाना है, तो MES के नेताओं को सोचना पड़ेगा इसके बारे में। फिलहाल में MES में ऐसी स्थिति है कि MES के नेताओं के ऊपर MES के यूथ का भरोसा कम हो चुका है, तो ये भरोसा जीतने की कोशिश वो MES के नेताओं ने करना चाहिए। अब जब वो भरोसा जीतेंगे, और जैसे शिवसेना का अगर कार्ड होता है, तो निश्चित ही MES का वोट बैंक और ताकत बढ़ सकता है, और MES के भी अच्छे दिन आ सकते हैं पुराने। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जैसा आपने कहा कि MES पर भरोसा, MES के लीडरों पर आवाम का नहीं है, जो यूथ जुड़ना चाहते हैं तो वो लीडरों को देखकर कहीं तो भी रुक जाते हैं, क्या मालूम कि ये जाकर कहाँ सौदा कर देंगे, इस तरह का। तो ये दो हिस्से हुए हैं, जैसा मध्यवर्ती और फिर जो और एक है किरण ठाकुर और दीपक दलवी को देखा जाता है, तो ये इस तरह से जो लोगों के अंदर दोबारा भरोसा कैसे पैदा कर। देखिए, MES का यूथ विंग धीरे धीरे काम कर रहा है, MES महाराष्ट्र एकीकरण समिति। जगदीश साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेलगाम नॉर्थ, साउथ और रूरल में, साउथ और नॉर्थ में तो 60% से ज़्यादा मराठी वोट है, मराठी डोमिनेटिंग है, नॉर्थ में भी है। तो ये मराठी डोमिनेटिंग वोट को देखा जाए तो MES का यूथ विंग एक्टिव हो रहा है। सोशल मीडिया पे अगर आप देखेंगे मराठी सोशल मीडिया पे, तो MES का यूथ विंग बहुत ही एक्टिव है, धीरे धीरे MES के युवा एक्टिव हो रहे हैं, काम कर रहे हैं। और जैसे ही अगर MES के जो सूत्र है, जो बूढ़े बुजुर्गों को मार्गदर्शक रख के सूत्र अगर MES के युवाओं के हाथ में आता है, तो निश्चित ही ये बदलाव आएगा, और जो भाजपा की तरफ झुके हुए हैं मराठी यूथ, और अपनी मातृभाषा के लिए, अपनी मराठी अस्मिता के लिए काम करेंगे, और आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं नगर निगम का चुनाव हो या आने वाला विधानसभा हो, MES का परचम लहर सकता है अगर वो MES के यूथ के हाथ में सूत्र मिला तो। बस आखिरी सवाल हमारी पेशे पर आएंगे, पत्रकारिता चाटुकारिता बनती जा रही है, गोदी मीडिया का लफ्ज काफ़ी मशहूर मारूफ हो चुका है, ये पत्रकारिता जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का, ये अपने जो अपना पेशा है उससे इंसाफ क्यों नहीं कर पाए। देखिए, आप जैसे स्वतंत्र पत्रकारितों की कमी है इस देश में, और स्वतंत्र पत्रकारिता इसलिए ही बढ़ रही है कि मीडिया का बिकाऊ होना ज़्यादा हो रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि कमर्शियल आस्पेक्ट कि कमेसर आस्पेक्ट से भी मुद्दों और सिद्धांतों के ऊपर चलना बहुत जरूरी है, लेकिन मुद्दे और सिद्धांत पर चलने के लिए मीडिया हाउस रन होने भी चाहिए, तो मीडिया हाउस रन होने के लिए पैसा चाहिए, तो ये सब को देखते हुए कहीं ना कहीं बैलेंस होना चाहिए सिद्धांत और मीडिया हाउस चलाने में। अपने तत्वों को भी, सिद्धांतों को भी साथ में रखना है, और कमर्शियली भी मीडिया को चलाना है, ये दोनों को साथ में रख के अगर आप चलेंगे तो भारत का चौथा पिलर जो मीडिया है, लोकशाही में आधार स्तंभ, यह बरकरार रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब प्रकाश बिलगोजी साहब, प्रकाश बेलगाम लाइव के
मुदीर आला, उन्होंने बेबाक अंदाज में तमाम तफसीलात पर, तमाम सियासी सरगर्मियों पर अपने ख्यालात का बेबाकी के साथ इजहार किया। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।